शाहीनबाग में शनिवार 5 बजे कपिल गुर्जर नामक व्यक्ति ने पुलिस बैरिकेड के पास 2 राउंड हवाई फायरिंग की। इससे पहले जामिया में 2 दिन पहले गोपाल नामक शख्स ने भी फायरिंग की थी। इस घटना के बाद बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों ने कुछ इस तरह से अपनी बात सामने रखी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अ टेररिस्ट इज वन बिकॉज ही सेज सो। फॉर डेकेड्स जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हैज बीन बीजेपी फॉर इंडियाज वॉर क्राई। दिस मैन जस्ट इकोड इट। ही इज फोर्स्ड यू टू चूज बिटवीन गनमैन साइड और द साइड ऑफ पीसफुल डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। वहीं मनोज झा ने इस बारे में ये कहा, 2 दिन पूर्व हैशटैग जामिया में और आज शाहीनबाग में गोलीबारी के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तनी बंदूक और तानने वाले व्यक्ति को वैचारिक राजनीतिक संबल खुराक कहां से हासिल है। CAA NRC के खिलाफ का आंदोलन स्वत स्फूर्त है, इसे डराने की हर कोशिश नाकाम होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, अमित शाह जी ये आपने क्या हाल बना रखा है हमारी दिल्ली का। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही है, चुनाव आते जाते रहेंगे, राजनीति भी चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली के लोगों के खातिर कृपया कानून व्यवस्था ठीक करने पर ध्यान दीजिए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा, Government is ready to talk to protesters of Shaheenbagh, but then it should be in a structured form and the Narendra Modi government is ready to communicate with them and clear all their doubts they have against CAA. वहीं प्रशांत भूषण ने कहा, saw a bhakt on Facebook today exhorting his fellow bhakts to come in a mob to Shaheenbagh and clear it. This is like the Jamia shooter has the blessings of their political bosses and the police. Wahin The Wire ne kaha, the shooter at Shaheenbagh appears to have said Jai Shri Ram when being taken away. When asked why he opened fire, said, हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। In our country, nobody but Hindus will have their way. वहीं opindia.com ने कहा, शाहीनबाग शूटिंग, the second day step is cold and calculated conspiracy. वहीं स्वाति चतुर्वेदी ने कहा, The infamous IT cell is pushing huge lies and propaganda against Shaheenbagh on various mediums. Who does India belong to followed by religious slurs? Wahi Ashok Swain ne kaha, One terrorist calls him Ram Bhakt. Another terrorist shouts Jai Shri Ram. India's so-called liberals find it troubling when protesters chant La ilaha illallah. वहीं शहला राशिद ने कहा, हैज नरेंद्र मोदी ओपेंड हिज माउथ ऑन द ट्विन टेरर अटैक्स ऑन जामिया यस्टरडे एंड शाहीनबाग टुडे, शेमलेस टेररिस्ट रेजिम। वहीं राहुल रोशन ने कहा, कपिल हु फायर्ड एट शाहीनबाग सेज ही वाज अ ग्रेट बिलीवर इन सेकुलरिज्म एंड वुड नॉट टेक इवन मंदिर का प्रसाद विदाउट एडिंग सेवाए इनटू इट, but one day his girlfriend who used to make seva for him dumped him. He decided to act against secularism. वहीं बरखा दत्त ने कहा, हमारे देश में सिर्फ हिंदूस की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। Meet today's shooter gunman at Shaheenbagh. How much the woman there must scare some men. Lumpenization of our public conversation is now official and complete. वहीं राहुल कनवल ने कहा, Why are people pretending to be surprised by what's happening at Shaheenbagh and Jamia? Minister led a rally as crowd chanted Goli Maro Salo Ko. That's exactly what people on the street are doing. Hate speech and incitement have real life consequences. Delhi sits on a powder keg. इन्हीं बातों के साथ और कई सारी पॉलिटिशियंस
बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने और भी बातें कहीं।